जी हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे प्रोग्राम के दो पार्ट, सॉरी हमारे इस कोर्स में जो है वो दो इम्पोर्टेंट जो है वो फेजेज़ हैं। पहला फेज़ ये है कि हमने जो है वो जावा लैंग्वेज को सीखना है, और फिर लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को अचीव करना है। ठीक है, तो जावा लैंग्वेज जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये हिस्ट्री जो है ये आपने एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू करना है। हम ये कह रहे हैं कि 1995 में सन माइक्रोसॉफ्ट ने जावा का प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया था, और जो पर्पस था वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का पर्पस था। यानी जावा लैंग्वेज जो है ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। यानी अगर आप इसको किसी भी इन्वायरमेंट में अगर आप जो है वो इसको रन करेंगे तो ये आपको जो है वो पॉसिबल है कि आप इसे मल्टीपल जो है वो सिस्टम के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि मल्टीपल आर्किटेक्चर या मल्टीपल सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप अगर इसको रन करेंगे तब भी चलेगा, अगर लिनक्स के इन्वायरमेंट में आप इसे यूज़ करेंगे तब भी जावा का जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी जो है मैं आपको मज़ीद यहाँ पे आगे जाके बताता हूँ। इसमें हम ये कहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, राइट वंस एंड यूज़ एनीवेयर, रन एनीवेयर। ठीक है, जावा का जो प्रोग्राम है जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि अगर आपने एक कोड जो है वो एक दफ़ा लिख लिया तो आप जो है वो उसको रन कर सकते हैं बहुत सारी और मशीन्स के ऊपर। ठीक है, और प्रोवाइडिंग नॉन कॉस्ट रन टाइम पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स, इसका मीनिंग यही है कि हम जावा के प्रोग्राम को अगर एक डिफरेंट सिस्टम के ऊपर रन करें, राइट करें और उसको एग्जीक्यूट अगर कर लें तो वो जो कोड होगा उसको हम मल्टीपल मशीन्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए जावा में जो है वो जावा की वर्चुअल मशीन यूज़ होती है, यहाँ पे शायद जो है वो कहीं डिस्कस किया उसके बारे में। तो खैर ये कैसे होता है ये हम कमिंग लेक्चर्स में चला इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं आपको जस्ट जो है वो ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जावा का जो कोड है उस कोड को जो है वो हम मल्टीपल मशीन्स के ऊपर रन कर सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट ये है कि जो जावा का एक कोड है उस कोड को कंपाइल किया जाता है एक मशीन के ऊपर, और वो जो कंपाइलर होता है वो कंपाइल करके जो रिज़ल्ट क्रिएट करता है वो डॉट एग्जी फाइल नहीं होती बल्कि वो इंटरमीडिएट कोड होती है जिसे हम जावा की डॉट क्लास फाइल कहते हैं या हम उसे जो है वो बाइट कोड कहते हैं। तो वो जो बाइट कोड है उस कोड को जो है वो फिर जावा की एक वर्चुअल मशीन होती है जिस जो एक सॉफ्टवेयर है JVM के नाम से, वो उस बाइट कोड को रीड करके और जो भी मशीन है उस मशीन के अकॉर्डिंग जो है वो उसको सेट करता है। यानी इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती है, एक टाइप जिसको हम कहते हैं कंपाइल टाइम लैंग्वेजेस होती हैं और एक जो दूसरी टाइप है वो है इंटरप्रेटर्स होते हैं। तो जो जावा है इसमें दोनों जो है वो मॉड्यूल यूज़ होते हैं, कंपाइलर भी यूज़ होता है और इंटरप्रेटर भी यूज़ होता है। सो नॉर्मली होता ही है कि कोड को पहले कंपाइल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो भी मैं मशीन यूज़ करूँ ये विंडोज़ की मशीन है, तो मैं अगर एक कोड लिखता हूँ जावा का तो होगा ये कि जावा का जो कंपाइलर है वो उसको कंपाइल करेगा लेकिन कंपाइल करके वो उसकी एग्जी फाइल नहीं बनाएगी। नॉर्मल लैंग्वेजेस क्या करती हैं, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाती हैं और एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो मशीन डिपेंडेंट फाइल्स होती हैं। सो होगा ये कि जावा का कंपाइलर क्या करेगा कि उसको उसकी एक डॉट क्लास फाइल बनाएगा, और वो जो डॉट क्लास फाइल है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कोड या बाइट कोड। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर ड्रा कर सकूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले क्या होगा कि जावा का कोड होगा, जावा का जो कोड है उसको कंपाइलर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इंटरमीडिएट कोड में जिसको हम कहते हैं डॉट क्लास फाइल या जिसको हम कहते हैं बाइट कोड।
और ये जो कोड होता है ये फिर आप किसी भी मशीन के ऊपर ये जो बाइट कोड है इस बाइट कोड को फिर जो है वो जावा का जो वर्चुअल मशीन है JVM उसको दिया जाता है और JVM जो है वो इसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। इस तरह से जो है वो जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी को चेक करती है, यानी क्या होगा, सबसे पहले जावा का कोड जो है वो कंपाइलर के थ्रू एक इंटरमीडिएट कोड में जाएगा, डॉट एग्जी कोड में जाने के बजाय इंटरमीडिएट कोड में जाएगा जिसको हम डॉट क्लास फाइल कहते हैं या बाइट कोड कहते हैं। वो जो बाइट कोड है अगर आपने किसी और मशीन के ऊपर जो है उसको एग्जीक्यूट करना है तो आप बाइट कोड जो है वो शेयर करेंगे उस मशीन के साथ, उस मशीन पे एक मॉड्यूल रन हो रहा होगा जिसको हम JVM कहते हैं, वो मॉड्यूल उस कोड को उस इंटरमीडिएट कोड को जो भी स्पेसिफिक मशीन है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसको कन्वर्ट करेगा। सो इस तरह से जो है वो मल्टीपल मशीन्स के ऊपर जो है वो जावा का एक कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का थोड़ा सा आइडिया दिया। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिंपल है, सिक्योर है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, यानी ये जो मैंने अभी आपको बताया, पोर्टेबल है यानी एक मशीन से आप दूसरी मशीन के ऊपर चला सकते हैं, रोबस्ट है क्योंकि एक दफ़ा अगर आप उसको रन कंपाइल कर लें तो वो मशीन्स के ऊपर दूसरी मशीन के ऊपर दोबारा कंपाइल नहीं होती। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तो ये आप लोगों ने पढ़ना है इंशाल्लाह। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए उनको यूज़ करते हुए उनको आपने जहन में रखते हुए इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस पढ़ना है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।